हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रेडमी 9 पावर का सेल फ़ोन है। इसमें देखिए, चार्ज लगाने पे जो है कि यहाँ पे केवल रेडमी लोगो आके फिर चला जा रहा है। इसमें देख सकते हैं, ये बस आ रहा है और चला जा रहा है, और जो है कि ये चार्ज भी ऑन भी नहीं हो रहा है। जैसा कि हम इसको चार्जर निकाल देते हैं, क्योंकि चार्ज हो नहीं रहा है। इसमें प्रॉब्लम यही है, देखिए चार्ज भी नहीं हो रहा है, ये ऑन भी नहीं हो रहा है। ये ऑन भी नहीं हो रहा है ये, जबकि हम आपको इसका बैटरी दिखा सकते हैं। बैटरी चार्ज है, इतना चार्ज है कि आप आराम से इसको फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। देख सकते हैं बैटरी चार्ज है, फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए, या तो फिर फ़ोन जो है कि चार्ज उठा लेना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो रहा है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड इसका बाहर निकाल लेते हैं। इसको जो है कि हमने पहले से ही ओपन कर लिया है, और कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग जो है वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, और इसका जो है कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। इसका जो है देख सकते हैं यहाँ पे है चार्जिंग ऐसी, यहाँ पे जो है कि यहाँ से जो है कि थर्मल और आईडी जो है कि यहाँ पे नहीं जा रहा है चार्जिंग पॉइंट के, ये बैटरी पॉइंट के इस पॉइंट पे। तो हमें जो है कि यहाँ पे थर्मल और आईडी को जो है कि यहाँ पे हमको वो जम्पर देना होगा। तो हम जूम कर देते हैं आपको, देख सकते हैं जो है कि थर्मल और आईडी यहाँ पे होता है, ये पॉइंट बीच वाला और ये। तो यहाँ पे आप जंपर देंगे तो आपका जो है कि यहाँ पे शॉर्टिंग का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जो शॉर्ट हो सकता है। तो आप वहाँ पे जंपर न देके हम देखिए यहाँ पे जंपर देंगे। ये देख सकते हैं ये जो है पॉइंट है, तो ये जो ऊपर वाला है ये जो है कि ये आईडी है, और ये बीच जो एक छोड़ के यहाँ से तीसरा ऊपर से ये जो है कि थर्मल है। तो हम यहाँ पे जंपर ना देके हम यहाँ पे जंपर देंगे, जबकि यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे थर्मल है। आप यहाँ पे चाहें तो आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे आप यहाँ से आप इन दोनों पे चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट इसमें से कौन सा है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर जंपर देना है, तो हम पहले जंपर दे देते हैं। ये जो देख सकते हैं दो कंपोनेंट है, हमको इस पे से जंपर देना है। हम जंपर दे देते हैं आपको, तब से हम वीडियो को थोड़ा सा रोक देते हैं। जंपर देने के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जंपर लगा दिए हैं, इस साइड में भी जंपर लगा दिए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे हमने जो ये ऊपर साइड में जंपर दिया है ये जो है कि आईडी है, और इसको हम जो है कि यहाँ पे ऊपर वाले सिरे पे जंपर दिए हैं, और यहाँ पे जो नीचे वाला है जो तीसरे नंबर पे किए थे, तीसरे नंबर वाला जो है कि हम यहाँ पे नीचे जो है कि इस साइड में जंपर दिए हैं। अब जो है कि हम आपको चेक कराते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं, क्योंकि जंपर जो है कि अच्छे से हो गया है हमारा। तो हम इसको जो है कि बोर्ड को इसमें फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम चेक कराते हैं। तो आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स करके बताएँ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो जैसा कि हमारा बोर्ड पैनल में फिट हो गया है बोर्ड, अब हम चार्ज लगा के आप चेक करते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं। चार्ज जो है कि पहले शो भी नहीं कर रहा था कि क्या चार्ज है, बस रेडमी लिख कर ऑन ऑफ ही हो रहा था, आ रहा था जा रहा था लोगों। तो जैसा देख सकते हैं हमारा 20% बैटरी चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज दिखने लगा, मतलब कि चार्ज मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अब जो है कि फ़ोन मेरा ऑन भी नहीं हो रहा था, तो हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि मेरा सेल फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे हमारा जो है कि प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया है। तो जैसा देख सकते हैं अब ये फ़ोन ऑन हो रहा है, तो ऑन होने में थोड़ा सा समय लगता है, रेडमी लिख कर आ गया है। तो जैसा देख सकते हैं
फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सारा हमारा सॉल्व हो गया है जम्पर द्वारा। जैसा देख सकते हैं सेलफोन मेरा खुल गया है, पूरा ओपन हो गया। तो अब अपना जो भी प्रॉब्लम हो, इस तरीके से आप भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व